नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शायन। आप देख रहे हैं यूनिवर्स टेक्निकल पे। आज हम लोग जो फिल्मोरा नाम का एक विंडोज़ का एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आता है, उसमें आप कैसे वीडियो एडिट कर सकते हैं, वो आज मैं आपको सिंपली दिखाने वाला हूँ कि कैसे कुछ वीडियो एडिटिंग जो होता है, इसके जो बेसिक फीचर्स हैं, आप उसको काम में कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, आज जो है मैं इसी को दिखाने वाला हूँ। उससे पहले, अगर आपने हमारा जो चैनल है यूनिवर्स टेक्निकल, उसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी नई वीडियो डालूँ, सबसे पहले जो है आप लोगों को नोटिफिकेशंस के द्वारा जानकारी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने फिल्मोरा खोल लिया है। पहले तो ये देखिए, यहाँ पे आता है दो मोड्स हैं इसके, एक इजी मोड है और एक फुल फीचर मोड है। हम लोग जो एडिटिंग सीखेंगे आज, वो फुल फीचर मोड में ही एडिटिंग सीखेंगे, ठीक है दोस्तों? तो फुल फीचर मोड पे क्लिक कर दीजिए सिंपली। जब आप फुल फीचर मोड में क्लिक करेंगे तो ये कुछ आपको इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ है मीडिया, जहाँ से मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हैं, और सारा मीडिया आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है? आप देख सकते हैं कुछ मीडिया मैंने पहले से इंपोर्ट करके रखी हुई है। उसके बाद आता है म्यूजिक, यहाँ से आप किसी भी तरह का म्यूजिक जो है ले सकते हैं। ये देखिए, एक ये देखिए, आपने एक देखा। यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट आप किसी भी तरीके के स्टाइल में दे सकते हैं, बहुत सारे स्टाइल आपको मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है? बहुत सारे हैं यहाँ पे। उसके बाद फिल्टर्स हैं, कुछ फिल्टर्स वगैरह कुछ भी आप लगवा सकते हैं दोस्तों अपने वीडियो के अंदर, ठीक है? जिससे आपका वीडियो और भी जो है अच्छी तरीके का दिखेगा। यहाँ पर और भी कई चीज़ें हैं, ओवर लेयर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आपको कुछ वो इफेक्ट्स मिलता है ना स्क्रीन का, ये देखिए कुछ इस तरीके का, तो वो भी आप उसको काम में लगवा सकते हैं। ये है स्प्लिट स्क्रीन, यहाँ पे आप दो वीडियोस को एक साथ स्प्लिट करके जो है चलवा सकते हैं एक वीडियो के अंदर। और ये है एक्सपोर्ट, ठीक है? अभी मैं इसको नहीं दिखाता हूँ, मैं थोड़ी देर बाद में इसको समझाऊंगा आपको। तो मीडिया में चलते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई मीडिया चाहिए, तो सपोज मैं कुछ मीडिया लेना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इम्पोर्ट जो है यहाँ पे इस पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक कर देने के बाद अब जो है मैं यहाँ से इस मीडिया को ले लेता हूँ। ये एक मेरा पुराना वीडियो है, ठीक है? तो इसको ये देखिए, यहाँ पे ये मीडिया आ चुका है दोस्तों। इस मीडिया को ड्रैग क्लिक करके ड्रैग करके मैं सिंपली ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ हाँ यहाँ ये जो एक गैलरी जैसा कुछ एक साइन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे सिंपली ड्रैग करके छोड़ दीजिए, ठीक है दोस्तों? अब ये जो है आपका पूरा का पूरा वीडियो आपको मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है? अब चाहे आप इसका वॉल्यूम कम ज्यादा, स्पीड कम ज्यादा, जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए वीडियो के ऊपर, जाके यहाँ पे एडिट पे जाइए। एडिट पे जाने के बाद ऑडियो ऊपर आपको ऑडियो देखने को मिल जाएगा, ऑडियो पे जाइए और यहाँ पे जाकर आप अपना वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? और पिच वगैरह जो भी है साउंड की, वो सब कुछ चेंज कर सकते हैं। रीसेट का बटन दिया गया है, ताकि अगर आप कुछ ट्यूनिंग उल्टा सीधा कर ले, तो रीसेट के बटन पे क्लिक करके सिंपली इसको रीसेट भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो इस तरीके से आ गया। तो हाँ, मैं आपको अब वीडियो ट्यूनिंग करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए वीडियो चल रहा है। आपने कभी ना कभी गूगल प्रोजेक्ट टैंगो के बारे में सुना ही होगा, क्या है गूगल? अगर मुझे यहाँ पे वीडियो को ट्रिम करना है, तो ये देखिए ये लाइन यहाँ पर है, तो मैं सिंपली इस सीजर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए वीडियो कट चुका है, ये दो सेपरेट पार्ट्स हैं दोस्तों, ये देखिए, ठीक है? दो सेपरेट पार्ट्स हैं। तो इस तरीके से आप बीच में भी, ये मेरा इंट्रो जब मैं देता हूँ इसी तरीके से देता हूँ दोस्तों। ये देखिए इंट्रो ला के दे दिया और बाकी का वीडियो जोड़ दिया ऐसे। तो ये देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, क्या है ये देखिए, पूरा का पूरा वीडियो इस तरीके से जो है चल सकता है दोस्तों। मैं कल कंट्रोल सेट करके पूरा वीडियो सिलेक्ट फिर से दोबारा बस नहीं कर लेता। तो इस तरीके से जो है आप वीडियो को ट्रिम कर पाएंगे इस सीजर्स के यहाँ पे।
कंट्रोल बी का अगर इस्तेमाल करते हो तो ये भी शॉर्टकट की है दोस्तों, इससे भी जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे म्यूजिक में जाएंगे आप, म्यूजिक अगर कोई भी म्यूजिक लेना चाहते हैं तो सिंपली क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए यहाँ पे। इस तरीके से जो है आप सिंपली, और हाँ इसका भी आप एडिटिंग कर सकते हैं साउंड का, यदि कि स्पीड वगैरह का और वॉल्यूम वगैरह का कुछ जो भी हो आप एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब आते हैं टेक्स्ट की ओर, टेक्स्ट आप कैसे डालेंगे अपने वीडियो में। ठीक है, तो ये जो एक ये खास किस्म का टेक्स्ट है दोस्तों, इसका यूज़ करके आप जो नीचे कुछ है ना, सब्सक्राइब माई YouTube चैनल और फॉलो माई YouTube चैनल, उस तरीके का ये देख लिया जा रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ पे अगर सिंपली आप डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पूरा टैब खुल चुका है। यहाँ पे आप लिखिए जो लिखना है आपको, कुछ भी अगर लिखना हो एक्स वाई जेड कुछ भी है लिखा है यहाँ पे। यहाँ से आप जो है फ्रॉन्ट चेंज कर सकते हैं दोस्तों, मैं कहूँगा आप ये वाला फ्रॉन्ट यूज़ करें। ठीक है, और जो साइज है उसको आप 48 कर दें। और यहाँ पे कई सारे स्टाइल आ गए, इसको बड़ा कर लेता हूँ आप देख समझे। हाँ तो यहाँ पे जो है तो आप किसी भी स्टाइल को ले सकते हैं, मैं इस स्टाइल को लेता हूँ दोस्तों। और इस चीज़ को अगर आप चाहे वीडियो के ऊपर बीच पे नीचे कहीं से भी जो है आप ले जा सकते हैं, देखिए इस तरीके से। अब मैं वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो इसके बाद से आप जो है 3D स्कैन, ये देखिए यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जा रहा है, देखिए आप देख सकते हैं सेंसिंग। तो आपने देखा कि ये जाता है ऐसे ही जाता है दोस्तों, कि जब वो चला जाता है नीचे से तो ऐसे कुछ लगता है। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं अगर आप जिस भी स्टाइल को ट्राई करना चाहें, जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए जब आप टेक्स्ट हेयर जो है यहाँ पर आपका टेक्स्ट ट्राई कर जब ये आएगा कुछ इस तरीके का डिज़ाइन करके जो है आएगा। और भी कई सारे हैं, ये एक है इसका मैं काफ़ी बार इस्तेमाल करता हूँ, आपने भी मेरे वीडियो में देखा होगा दोस्तों। ठीक है, ये एक है, और अगर आपकी वीडियो ख़त्म होती है तो ये दी एंड का एक लगवा सकते हैं आप, इसमें आप कुछ लिख नहीं सकते। ठीक है, इस तरीके से जो है दे सकते हैं। और मैंने इसके बारे में तो बोला ये कुछ फिल्टर्स टाइप्स हैं, ये देखिए अगर आप देते हैं ये वीडियो के अंदर एक गोल्डन इफेक्ट आ रहा है, आप देख के समझ पा रहे हैं दोस्तों, तो इस गोल्डन इफेक्ट को लाएंगे ये फिल्टर जो है काम में आता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग अगर चाहें तो। ये देखिए तो ये एक है, मेरे इंट्रो में आता है ये चीज़। ठीक है, और यहाँ पे दोनों वीडियो को आप एक साथ जो है चलवा सकते हैं। और ओ सॉरी मैं बीच का एकदम कर गया, ये इसका मदद से आप जो है एकदम अपने वीडियो में जो इफेक्ट्स हैं इस तरह के वो ला सकते हैं दोस्तों। और अंत में है स्प्लिट स्क्रीन, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे तीन स्क्रीन्स हैं, यहाँ पे एक में ये वीडियो छोड़ा, दूसरे में ये वीडियो छोड़ा और तीसरे में ये वीडियो छोड़ा। इसको छोड़ने के बाद आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा इम्पोर्ट। ठीक है दोस्तों, आपने कभी कभी और जब वीडियो पूरी की पूरी एडिटिंग हो जाए तो ये सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जिस भी फाइल फॉर्मेट में चाहिए, यहाँ पे देखिए WMV है, MP4 है, AVI है, MOV है, FLV है, बहुत सारे के फॉर्मेट है, 3GP है, MP3 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये तो जिस भी फॉर्मेट में चाहिए आप ले सकते हैं दोस्तों। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप MP4 में ही वीडियो निकालें, क्योंकि इसमें जो है आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है, 720 की क्वालिटी मिल जाती है। ठीक है, ये आप देख ही सकते हैं 1280x720 की क्वालिटी जो है आपको मिल जाती है, वीडियो का साइज भी ठीक रहता है। ठीक है, सिंपली MP4 पे क्लिक करके यहाँ पे जो है आप कहीं कहाँ पे आउटपुट फाइल लेना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक ब्राउज करके उस एरिया को सिलेक्ट करके, मैं अगर डेस्कटॉप पे लेता हूँ तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करके ये सिंपली ओके कर दूंगा और उसके बाद जो है एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्टिंग दिखा रहा है। ठीक है, और ये धीरे धीरे करके जो है कन्वर्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये थी फिल्मोरा की कुछ बेसिक फीचर्स दोस्तों।
सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं रोज़ाना आपके लिए ऐसी ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।